अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ZKF न्यूज़ के साथ तारिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस गुफ्तगू में हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, वो है तजर्बागाह या लेबोरेटरी। आप जानते हैं कि ये बड़ी ही मशहूर जगह होती है, हर इंस्टीट्यूट की इम्पॉर्टेंट जगह होती है, जहाँ लोग तजर्बात करते हैं और फिर अपने तजर्बों के रिजल्ट में, नतीजे में पहले कुछ थीरी होती है, फिर लोग तजर्बा करते हैं, उसके बाद फिर कुछ रूल्स बनते हैं, फिर कुछ कवानीन बनते हैं। असल में हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बानी पाकिस्तान है, तो उन्होंने बयान दे दिया था और उनका बयान ये था कि हम पाकिस्तान को तजर्बागाह बनाएंगे। और तजर्बागाह किसकी बनाएंगे? उन्होंने तो ये कहा था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाएंगे, कि यहाँ पर हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हम यहाँ पर वो निज़ाम नाफिज करेंगे, जिस निज़ाम के तहत जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, ताकि हम दुनिया के सामने ये पेश कर सकें कि इस्लाम सिर्फ एक जस्ट थ्योरी नहीं है, इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है, इसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि हमारे सियासतदानों ने, हमारे जजेस ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे जर्नैलों ने कजस मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इस बयान को कुछ और अंदाज में समझा। उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान इस्लाम की तजर्बागाह के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें लाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की हुकूमती सिस्टम लाने के लिए इसको बतौर तजर्बागाह उन्होंने यूज किया। नाज़रीन इकराम, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज 2022 हो चुका है, अभी हम 2022 की योम आज़ादी मनाने वाले हैं। आप जरा हिस्ट्री उठाकर देखिए, मुख्तलिफ अदवार में सियासतदान भी आए, जर्नैल भी आए, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, जो भी आया, हर किसी ने अपनी मन मर्जी के मुताबिक यहाँ पर न्यू निज़ाम नाफज करने की कोशिश की। और हर निज़ाम जो भी नाफज किया गया, वो सिर्फ चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए वो नाफिज किया गया, और कोई एक ऐसा सिस्टम आज तक भी कौम को नहीं दे सके जिसकी बुनियाद पर हम काबिल फख्र अंदाज में ये कह सकें कि हम वो लोग हैं जिनके यहाँ ये निज़ाम हुकूमत राइज है। हम ये कह सकें कि इस निज़ाम हुकूमत को राइज करने के बाद हमने कामयाबी हासिल की है, हमने डिक्टेटरशिप भी देखी, हमने यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स का निज़ाम हुकूमत भी देखा, हमने यहाँ पर यह डेमोक्रेसी भी देखी जिसके अंदर हमने वज़ीर आज़म को वज़ीरों की एक फौज जफर मौज भी देखी। लेकिन सवाल ये है, इस तमाम की तमाम सिस्टम ने आज तक हमें दिया क्या है? आज तक हमारी पोजीशन आज क्या है? आज हम लोग इकोनॉमिकली हम कहाँ पे हैं? आज पॉलिटिकली हमारा सिस्टम कहाँ पे है? आज हमारी चीज़ों की ग्रोथ कितनी है? आज हमारी इम्पोर्ट कितनी है? एक्सपोर्ट की क्या कंडीशन है? हम इम्पोर्ट तो हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी कहाँ पे है? नाज़रीन इकराम, बहुत सारे सवाल हैं कि हमने बदकिस्मती से इस निज़ाम को, इस मुल्क को आज तक सिर्फ और सिर्फ तजर्बागाह ही समझा। हम कभी इस मुल्क के साथ सीरियस नहीं हुए, न कल सीरियस थे, न आज सीरियस हैं, और न ही आइंदा आने वाले वक्त में कोई चांस है कि हम सीरियस होंगे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फवायद के लिए, अपनी मार धाड़ के लिए, अपनी दौलत के अंबार लगाने के लिए, अपने बच्चों को मजीद बेहतर से बेहतर जिंदगी फराहम करने के लिए हमारे तमाम के तमाम जो लोग लीडर हमारे यहाँ पे, कोई भी नहीं सोचता कि इस मुल्क को हमारी जरूरत किस अंदाज में है और इस मुल्क को हमने आने वालों के लिए किस अंदाज में पेश करना है। न जाने कब जाकर हमें समझ आएगी। दुआ है अल्लाह ताला की दाद से कि अल्लाह करीम इस मुल्क पर नेम फरमाए, और ये जो तजर्बे करने वाले जो नए नए चेहरे रोज आते हैं, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें समझ अता फरमाए, ये मुल्क किस लिए बनाया गया और आज इस मुल्क को किस अंदाज में लूटा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। हर आने वाला दिन एक भयानक साए लेकर हमारे ऊपर मंडला रहा है, न जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि रब्बे कायनात हमारे इन ऐसे करप्ट लोगों से हमें निजात अता फरमाए, और अल्लाह करीम इस कौम को शऊर अता फरमाए कि मुआइंदा इलेक्शन में ऐसे लोगों को आगे लाए, और ऐसा निज़ाम जो ऐसा निज़ाम नाफज करने वाले, जिस निज़ाम में अवाम की खुशहाली हो, जिस निज़ाम में मुल्क की इज्जत और वकार बढ़े, जिस निज़ाम में ये मुल्क तरक्की करे, जिस निज़ाम में अल्लाह करीम ने इस मुल्क को जिस तरह हमें दिया है
हम इस मुल्क को आलम इस्लाम का किला बना सके। न जाने वो ख्वाब कब पूरे होंगे, हम तो देखते देखते अब बुढ़ापे की दरीज पर पहुंच चुके। न जाने हमारे बच्चे क्या देखेंगे, न जाने उनके बच्चे क्या देखेंगे। अब दुआ ही कर सकते हैं कि रब्बे कायनात इस मुल्क को सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।